भाई लोग, आज करेंगे अनबॉक्सिंग बोट 131 का अपग्रेडेड वर्जन, बोट इमॉर्टल 131। बॉक्स कुछ इस तरीके से आपको दिखाई दे रहा होगा, फटाफट से अनबॉक्सिंग करते हैं, देखते हैं बॉक्स के अंदर हमें क्या चीज मिलती है। तो बॉक्स खोलोगे तो आपको मिलेगा ये ईयरबड, जो कि भाई सेक्सी लगता है भाई, बहुत ही मस्त डिजाइन है। बॉक्स के अंदर आपको ये टाइप सी चार्जिंग केबल मिलते हैं, उसके साथ ये आपको एक्स्ट्रा के एयर कप्स भी मिलते हैं, एंड बहुत सारे भाई ये इतने सारी चीज़ें मिलते हैं, एंड स्टिकर भी मिलते हैं, तो अगर आप कहीं पे चिपकाना चाहते हो तो चिपका सकते हो, एंड बहुत सारी चीज़ें आपको मिलते हैं। अगर पढ़ना चाहते हो पढ़ लो, नहीं तो हमारा वीडियो देख रहे, तो इसकी क्या जरूरत है। भाई लोग, डिजाइन के बारे में यहाँ पे बात करें तो भाई ये दिखने में कुछ इस तरीके से आपको दिखाई दे रहा होगा, एक बहुत ही मॉडर्न सा पूरा डिजाइन बनाया गया। मुझे पर्सनली डिजाइन काफी ज्यादा अच्छा लगा, जो नॉर्मल से ईयरबड हम देखते हैं राउंड शेप में या फिर स्क्वेरी शेप में होते हैं, लेकिन इसका डिजाइन थोड़ा सा डिफरेंट बनाया गया है। काफी अच्छी तरीके से कट्स वगैरह आपको मिलते हैं, एंड इवन यहाँ पे देख सकते हो ये ट्रांसपेरेंट आपको प्लास्टिक दिखाई दे रहा होगा, ये जैसे आप खोलोगे यहाँ पे अंदर आपको बहुत सारी लाइटें दिखाई देते हैं, एंड इसको क्लोज करोगे तो ये जो लाइट्स है आप डायरेक्टली इस ट्रांसपेरेंट विंडो से देख सकते हो, जो कि काफी अच्छा फील आता है। उसके साथ जो है टाइप सी यहाँ पे चार्जिंग पोर्ट आपको मिलता है, एंड यहाँ पे बोट की ब्रांडिंग आपको मिलती है। तो भाई मुझे तो ये डिजाइन वाइज काफी ज्यादा मस्त लगा है, रिफ्रेशिंग सा पूरा डिजाइन दिखता है, एंड साइज में भी काफी ज्यादा छोटा है, आराम से पॉकेट में वगैरह रख सकते हो। एंड भाई ये लाइटें देखे तो भाई ये बहुत ही चिकना लगता है, एक नंबर लग रहा है। इवन दोस्तों ईयरबड के भी डिजाइन जो है वो काफी अच्छे से बनाए गए, यहाँ पे भी आपको लाइट्स मिलते हैं, तो जब भी आप पहनते हो इसको पेयर करते हो या फिर गाना वगैरह बजाते हो तो ये लाइट्स टर्न ऑन हो जाते हैं, काफी अच्छा लगता है। आरजीबी लाइट्स है तो एक कलरफुल वाइब आपको पूरे आ जाते हैं। इवन जो ईयरबड का डिजाइन भी काफी अच्छी तरीके से बनाया गया है, कान के अंदर काफी अच्छे से फिट हो जाते हैं, एंड यहाँ पे रबर पैड्स भी मिलते हैं, तो आराम से ये जो है अंदर स्टक हो जाते हैं, गिरेंगे नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। आप गेमिंग वगैरह करने चाहते हो तब भी आपको काफी ज्यादा मजा आएगा, तो मुझे ये काफी ज्यादा अच्छे लगे डिजाइन वाइज। अगर हम बात करें यहाँ पे बिल्ड के बारे में, बिल्ड काफी ज्यादा अच्छे, बट ये ऊपर का जो पैनल है इसका कुछ नहीं बोल सकते। अगर ये ऊपर से बहुत ऊपर से गिरा तो यहाँ से 100% टूट सकता है, नीचे वाले पार्ट को कोई दिक्कत नहीं आएगी क्योंकि एक सॉलिड प्लास्टिक है, बट ऊपर वाला पार्ट जो है वो काफी ज्यादा हल्का लग रहा है मुझे, तो यहाँ पे मेन दिक्कत आ सकती है। दोस्तों स्पेसिफिकेशंस के बारे में बात करें तो ये 131 का अपग्रेडेड वर्जन है, जैसे मैंने बोला तो यहाँ पे भी आपको अपग्रेडेड वर्जन आता है, ब्लूटूथ 5.3 का सपोर्ट मिलता है, भाई साहब फटाक से जो है स्मार्टफोन के साथ कनेक्ट हो जाता है, बिल्कुल भी देरी नहीं होती, जैसे आप इसको ओपन करोगे ये ऑटोमेटिकली जो है कनेक्ट हो जाता है। तो पेयरिंग जो है इंस्टेंट वेक एंड पेयर का सपोर्ट मिलता है, तो उसकी वजह से पेयरिंग जो है वो काफी सीमलेसली हो जाता है। उसके साथ IPX4 सर्टिफिकेशन मिलता है, ये वाटर रेजिस्टेंट हो जाता है, वाटर प्रूफ नहीं हो जाता, तो इसको पहन के भाई पूल में या फिर नदी में कूद मत जाना, आपका काली गंगा हो जाएगा। देखो अभी सबसे इंपॉर्टेंट चीज के बारे में हम बात करने जा रहे हैं, वो है इसकी साउंड क्वालिटी। इसमें आपको मिलता है 10mm के ड्राइवर्स मिलते हैं, दोनों भी ईयरबड्स आपके कान में अच्छी तरीके से फिट हो जाते हैं, तो उसकी वजह से जो साउंड लीक है वो बहुत ही ज्यादा मिनिमम है। 100% वॉल्यूम के ऊपर अगर आप कोई गाना सुनोगे तो थोड़ा सा मतलब एकदम माइनर सा जो है आपके बगल वाले को सुनाई देगा, बट अच्छा क्या सुन रहे हो वो एक्चुअल वो बता नहीं पाए, समझ रहे हो, मतलब उसको सिर्फ ऐसे धुन सुनाई देगी। बाकी ऑल द वे मुझे इसका जो साउंड क्वालिटी है वो काफी अच्छा लगा। इसकी प्राइस अगर हम ध्यान में रखें 1000 के आसपास ये जो है आपको मार्केट में मिल जाएगा, तो उस हिसाब से जो है इसका साउंड मुझे काफी अच्छा लगा। बेस वगैरह इतना ज्यादा बूस्टेड नहीं है, बट जितना भी है वो आप काफी अच्छे से फील कर पाओगे। 100% वॉल्यूम के ऊपर थोड़ा सा डिस्टॉर्शन मिलता है, बट अगर आप 70-80% वॉल्यूम पे सुनोगे तो आपको कोई मतलब ऐसा डिस्टॉर्शन फील नहीं होगा, काफी अच्छी तरीके से वहां पे आप सॉन्ग सुन पाओगे। मिड्स एंड ट्रेबल जो है वो काफी अच्छी तरीके से मैनेज किए गए, वोकल्स एंड जो बेस है वो सेपरेशन काफी अच्छी तरीके से दिया गया, कभी कभी ऐसा लगता है कि भाई वो मैच हो रहा है, बट बेस वगैरह काफी अच्छी तरीके से आप फील कर पाओ। तो मुझे ओवरऑल ऐसा लगा कि जिस प्राइस रेंज में ये आता है उस प्राइस रेंज में ये आपको काफी अच्छी तरीके से जो है साउंड क्वालिटी प्रोवाइड कर देता है, तो डेफिनेटली आप इसको कंसिडर कर सकते हो। अगर आप एक म्यूजिक लवर हो, आपको एक अच्छे खासा गाना सुनना है, थोड़ा सा बेस भी चाहिए, तो डेफिनेटली आप इसको कंसिडर कर पाओ।
अच्छा म्यूजिक तो एक साइड हो गया, अगर आपको गेमिंग खेलना है यहाँ पे तो आपको एक डेडिकेटेड यहाँ पे बीस्ट मोड भी लगेगा जो कि इसके अंदर आता है, जिसकी वजह से इसकी जो लेटेंसी वो 40 मिलीसेकंड के आसपास हो जाते हैं। तो हमने यहाँ पे गेम भी खेल के देखा, एक चीज मुझे नोटिस हुई कि डेफिनेटली आपको काफी अच्छा जो है यहाँ पे रिस्पॉन्स मिलता है, काफी लो लेटेंसी मिलती है। जब भी आप गेम खेलोगे आपका एक्सपीरियंस, यूजर एक्सपीरियंस काफी ज्यादा अच्छी तरीके से बढ़ जाता है एंड फुटस्टेप्स वगैरह भी काफी अच्छी तरीके से सुनाई देते हैं। आपको समझ में आएगा कि भाई इस साइड से एनिमी आ रहा है या फिर इस साइड से है, उस हिसाब से जो है आप उसको पेल सकते हो मस्त तरीके से। तो गेमिंग के लिए भी काफी अच्छा है, प्रो गेमर्स के लिए मैं इतना रेकमेंड नहीं करूंगा, बट नॉर्मल अगर आप गेमिंग खेलते हो तो भाई कोई दिक्कत नहीं आएगी। अभी दोस्तों कॉलिंग की बात करें तो चार आपको माइक्रोफोन इसके अंदर मिलते हैं, दो यहाँ पे दो यहाँ पे, तो उसकी वजह से कॉल क्वालिटी तो अच्छा आएगी। उसके साथ ANX टेक्नोलॉजी भी मिलती है जो कि नॉइज रिड्यूस करते हैं। तो ये एक्चुअल में वर्क करता है या फिर नहीं, या फिर ये फेल हो जाता है, ये देखेंगे थोड़ा सा बाहर जाके। तो दोस्तों अभी हम जा रहे हैं बाइक के ऊपर से, अभी देखते हैं कि एक्चुअल में ये किस तरीके से साउंड आता है। हेलो हेलो, हाँ भाई आवाज आ रहा है क्या? आ रहा है आ रहा है। बहुत ज्यादा मतलब नॉइज वगैरह आ रहा है पीछे से? नहीं नहीं क्लियर आ रहा है आवाज, पूरा क्लियर है ना? क्लियर है, पूरा क्लियर है। ओके ओके, कोई मतलब सुनने में दिक्कत आ रही है क्या? नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं। ओके पूरा क्लियर है ना? क्लियर है पूरा आवाज। ओके ओके ठीक है ठीक है। तो भाई लोग बैटरी के बारे में बात करें तो इन टोटल इसमें आपको 400 mAh की बैटरी मिलते हैं एंड ये जो ईयरबड है सिंगल ईयरबड में आपको 40 mAh की बैटरी मिलती है। तो इस वजह से आपको एक बार इस ईयरबड को चार्ज करोगे तो ये सिंगल ईयरबड आपको 10 आवर्स का म्यूजिक प्ले टाइम दे सकता है एंड फुल चार्ज इस केस के साथ अगर देखोगे तो एडिशनल इस केस के साथ 30 आवर्स का, मतलब इन टोटल आपको 40 आवर्स का जो है प्ले बैक टाइम मिलता है। तो इसमें आप गेम खेलो, म्यूजिक देखो यार और कुछ देखो भाई। तो अगर हम कंक्लूजन के बारे में बात करें तो भाई डिजाइन तो इसका एक नंबर है, मुझे डिजाइन पर्सनली काफी ज्यादा अच्छा लगा। RGB जो इसके अंदर दिया गया, थोड़ा सा गेमिंग वाइब, थोड़ा सा RGB वाइब, मतलब एक डिफरेंट डिजाइन काफी अच्छे तरीके से लगता है। और एक चीज है, इसमें आपको टाइप सी चार्जिंग पोर्ट भी मिलता है एंड फास्ट चार्जिंग का भी सपोर्ट है, 5 मिनट में 75 मिनट का जो है आपको प्लेबैक टाइम दे सकता है ये। तो ये चीजें काफी अच्छी तरीके से एड ऑन मिलते हैं। म्यूजिक क्वालिटी तो अच्छी है ही, लेकिन उसके साथ साथ आपको यहाँ पे डेडिकेटेड गेमिंग मोड भी मिलता है, तो एक साथ आप दोनों भी काम कर सकते हो, तो ये एक चीज एड ऑन हो जाते हैं। उसके साथ इसकी प्राइस भी काफी ज्यादा लो है, मतलब 1100 के आसपास इसकी प्राइस आते हैं। तो इस प्राइस रेंज को ध्यान में अगर रखे तो भाई सारी चीजें काफी अच्छी तरीके से पॉजिटिवली आते हैं, तो डेफिनेटली आप इसको कंसिडर कर सकते हो। मैं भी आपको रिकमेंड करूंगा, आपको एक अच्छा खासा प्रोडक्ट इस प्राइस रेंज में डेफिनेटली मिलेगा। तो प्लीज दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, गाइस वीडियो अच्छा लगा लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब करना मत भूलना। इंस्टाग्राम के ऊपर भी आप हमें फॉलो कर सकते हो, आपके जो भी क्यूरियस हो डायरेक्टली आप वहां पे डाल दो, हम जो आपको उसके आंसर दे देंगे। मिलते हैं अगली बार किसी ने वीडियो के साथ, किसी ने एक्साइटिंग टॉपिक के साथ। दोस्तों ख्याल चाल, खाना भी ना किया कि नहीं, हार के स्क्रिप्ट भूल गया।